रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। वो हर काम काज में माहिर थी। साथ ही उसे मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और सबसे ज्यादा आई लाइनर लगाने का। वो अलग अलग तरीके के आई लाइनर लगाया करती थी, जैसे फिशटेल लाइनर, नेचुरल लाइनर, विंग लाइनर, कैट आई लाइनर एक्सेट्रा। इसलिए उसकी सारी फ्रेंड्स उससे ब्यूटी टिप्स और मेकअप टिप्स लिया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता बिरजू और माता सरोज रहा करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन अवनी अच्छे से तैयार होकर लाइनर लगाकर घर से बाहर जाती है, जहां रास्ते में एक कार्तिक नाम का लड़का जो कि वहीं से जा रहा होता है, उस पर अवनी का दुपट्टा उड़कर आ जाता है। अवनी उसके पास अपना दुपट्टा लेने जाती है और कहती है, ओह माफ करना, पता नहीं कैसे मेरा दुपट्टा उड़कर अचानक आपके पास चला गया। जी कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए ना, शायद मैं ही इतना खुश नसीब हूँ कि जो इतनी सुंदर लड़की का दुपट्टा मेरे ऊपर आकर गिरा। कुछ भी बोलते हैं आप। वाह क्या कमाल की हंसी है आपकी, किसी का भी दिल फिसल जाए इस अदा पे तो। अच्छा जी, ध्यान रखना कहीं आपका ही ना फिसल जाए। मुझे तो लग रहा है कि फिसल ही गया है। अच्छा आप मेरा दुपट्टा तो दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अवनी अपना दुपट्टा लेकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारा टाइम बस कार्तिक के ही बारे में सोचने लगती है। और ऐसे ही एक बार फिर से अवनी और कार्तिक की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हो जाती है। अवनी कार्तिक से कहती है, अरे तुम यहाँ? हाँ हाँ, तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अच्छा जी, अगर बुरा ना मानो तो दो चीज पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ हाँ बोलो। पहला तो आपका नाम। जी मैं अवनी। दूसरा, क्या लाइनर लगाती हो यार आप, कसम से गजब ढाती हो। पागल हो तुम भी, जब भी मिलते हो ना बस मक्खन ही लगाते रहते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और रात दिन कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर बात किया करते। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन कार्तिक और अवनी दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, साथ ही शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ बहुत ही ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अवनी की सास शांति देवी के कुछ दोस्त उनके घर पर अवनी को देखने और उसके हाथों का बना खाना खाने के लिए आते हैं। तभी अवनी अपनी सास को अच्छे से तैयार करती है और अपनी ही तरह उसकी आंखों पर भी बहुत ही अच्छा सा विंग लाइनर लगा देती है और सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी, अरे तो फिर कैसा बना है खाना मेरी बहू के हाथ का? खाना तो मस्त बना है, लेकिन ये बता तूने ये लाइनर किससे लगवाया? इस उम्र में भी एकदम हीरोइन लग रही है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ, वैसे ये लाइनर मेरी बहू ने लगा दिया। अवनी अपनी सास की सभी सहेलियों को भी उनकी आंखों पर लाइनर लगा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आए दिन कोई ना कोई अवनी से लाइनर लगवाने उसके घर आता ही रहता था। ऐसे में अवनी अपने घर का काम नहीं कर पाती थी और ये सब होता देख उसकी सास को अपनी बहू से जलन होने लगी थी। और एक दिन, अरे बहू ये सब तू क्या करती रहती है, घर का कोई काम तो तुझसे होता नहीं, बस सबकी आंखें ही सजाती रहती है। माँ जी आप ही बताइए ना क्या करूँ, रोज रोज कोई ना कोई आ ही जाता है लाइनर लगवाने के लिए। अरे कान खोल के सुन ले, अब तो बस घर का ही काम करेगी, समझी? माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है
शांति देवी खुद को अपनी बहू जैसा दिखने के लिए लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करने के बारे में सोचती है और बाजार से सस्ता सा खराब लाइनर खरीद कर ले आती है और घर पर आकर शीशे के सामने लाइनर लगाना शुरू कर देती है। वो बार बार खुद की आंखों पर लाइनर लगाती मगर अपनी बहू जैसा लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगा पाती थी और इसी तरह वो लाइनर की पूरी शीशी खत्म कर देती है। शांति देवी जैसे ही लाइनर की शीशी को अपने हाथ में ऊपर उठाकर देखती है कि बचा हुआ लाइनर उसकी आंखों में गिर जाता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय अवनी, जल्दी आ। माजी माजी, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? रुकिए रुकिए, मैं कुछ करती हूँ माजी। अवनी जल्दी से अपनी सास की आंखों को ठंडे पानी से धोती है पर शांति देवी की आंखों की जलन कम होने का नाम ही नहीं लेती। अवनी जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर उनका इलाज करके बताते हैं। जी देखिए, लो क्वालिटी का केमिकल वाला लाइनर लगाने से इनकी आंखों को बहुत ही नुकसान पहुँचा है। अब हमें कुछ टेस्ट करने होंगे इनके, तभी हम आगे कुछ कह सकते हैं। अवनी कार्तिक को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक गुस्से से तिलमिला जाता है और बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है अवनी। तू जो ये लाइनर क्लास देती फिर रही है ना, देखो क्या नतीजा मिला है मेरी माँ को। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कार्तिक जी? उस वक्त मैं खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता कब कैसे क्या हुआ। तो और किसको कहूँ, मेरी ही गलती थी जब तुम जैसी लाइनर की दुकान को अपने घर ले आया। कार्तिक जी, माजी के साथ जो भी हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आएगा आप बोलते जाएंगे। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं, जी देखिए, हमने शांति जी का ट्रीटमेंट तो कर दिया है बट वो कितना सफल रहा यह जानने के लिए हमें 24 घंटे का वेट करना होगा। अगर तब भी उनको दिखाई नहीं देता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 24 घंटे बाद डॉक्टर शांति देवी का फिर से आई चेकअप करते हैं और तब पता चलता है कि उनकी आंखें केमिकल की वजह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके बाद शांति देवी को हमेशा के लिए उनकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर शांति को घर ले जाने के लिए कह देते हैं और यहाँ कार्तिक बोलता है, अवनी जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं होना चाहिए मेरी माँ को। उनका पूरा ख्याल रखना होगा अब तुम्हें, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बहू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरी ही गलती थी। अरे मैं ही अवनी को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने अपना ये हाल बना लिया। कार्तिक के इतना कहने के बाद शांति देवी उसे पूरे हादसे के बारे में बताती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है, ना कि अवनी की। मुझे माफ कर दो अवनी, मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं नहीं कार्तिक जी, आप माफी मत मांगिए, मैं जानती हूँ कि आपको कैसा लगा होगा माजी को इस हाल में देखकर। कार्तिक बड़े ही प्यार से अवनी को गले लगा लेता है, साथ ही शांति देवी को भी सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाना हमारे लिए कितना गलत है। इस तरह सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये विंग लाइनर वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अलग अलग स्टाइल में आईलाइनर लगाती हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।